आज से 4 महीने पहले दिल्ली में रहने वाले 23 साल के अंकित सक्सेना का दिल्ली के रघुबीर नगर में रहने वाली उनकी मुस्लिम प्रेमिका के परिवार वालों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हाल ही में उनके पिता यशपाल सक्सेना ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने 200 लोगों को आमंत्रित किया ताकि वह लोगों के बीच प्यार और शांति का संदेश फैला सके। उन्होंने सबसे गुजारिश की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण न दे। फोटोग्राफर अंकित पर उन्हीं के घर के पास उनकी प्रेमिका के पिता, अंकल और उसके 14 साल के छोटे भाई द्वारा हमला किया गया था, क्योंकि वह इस रिश्ते के खिलाफ थे। लड़की के माता पिता सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट फाइल कर दी गई है और जुलाई में केस की सुनवाई होगी। अंकित के एक दोस्त ने उनके पिता के द्वारा आयोजित इस इफ्तार पार्टी की तैयारियों में मदद की थी। बहुत से लेखक, पड़ोसी और कार्यकर्ता इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने थे, जहां बिरयानी, फल और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ सबने इफ्तार का जश्न मनाया। नसीर अहमद इफ्तार में बिना किसी निमंत्रण के पहुंचे थे। उन्होंने बताया, मैंने फेसबुक पर इसके बारे में पढ़ा और फैसला किया कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए है। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं था, यह केवल इंसानियत के लिए था और मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। सक्सेना और अंकित के दोस्तों ने फैसला किया कि वह ऐसे जोड़ों की शादी करने में मदद करेंगे।